और बिहार के सियासी गलियारे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा तोहफा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, और मिली जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के बड़े सहयोगी बीजेपी कोटे से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। लोगों ने सहमति होकर आगे के दिनों में जो राज्यसभा के चुनाव होंगे उसमें उम्मीदवार बनाए। एनडीए के सभी लोगों की सहमति है, सब लोगों ने सहमति होकर आगे के दिनों में जो राज्यसभा के चुनाव होंगे उसमें उम्मीदवार बनाए। एनडीए के सभी लोगों की सहमति है, सब लोगों ने सहमति होकर आगे के दिनों में जो राज्यसभा के चुनाव होंगे उसमें उम्मीदवार बनाए। ये एनडीए गठबंधन ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है, इस बात के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तमाम एनडीए गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, अमित शाह जी हों, नड्डा साहब हों, मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सब लोगों का सामूहिक निर्णय। राहुल गांधी का जो बयान आया है पार्लियामेंट में, कैसे देखो? राहुल गांधी जी अब विपक्ष के नेता है तो कुछ तो उनको बोलना है। कोई मटेरियल उनके पास नहीं है तो अनर्गल बात जो उनको लोग बता देता है वही बोलते हैं, तो इस रूप में उनकी बात का कोई मतलब नहीं। तो आपको बता दें कि लोकसभा में पाटलिपुत्र से मिसा भारती और नवादा से विवेक ठाकुर के सांसद बनने के बाद राज्यसभा की दो सीटें खाली हुई है, जिसके बाद एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। वहीं इस फैसले के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए एनडीए की ओर से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा के लिए बिहार की आम जनता एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित एनडीए के सभी घटक दलों के कर्मठ कार्यकर्ताओं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे प्रति अपना स्नेह बनाए रखा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी सहित एनडीए के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है, राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, बीजेपी कोटे से राज्यसभा जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, ये बड़ा फैसला एनडीए का, कुशवाहा वोट बैंक को अपनी ओर करने की एक और कोशिश है, ये क्या पूरी जानकारी इस खबर पर? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव में जो है आपने जो कही जा सकती है किस्मत आजमाई थी, वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली थी, और इस पूरे जो कहा जा सकता है कि इस चुनाव में जो परिस्थिति सामने आई, या जो कहा जाता है कि पवन सिंह के सामने आने के बाद जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तीसरे स्थान पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए थे, खड़े थे, काराकाट से लगभग जीत तय थी, मगर अंतिम समय में जो पवन सिंह जो सामने आ गए और उसके बाद उन्होंने एक विरोधी के रूप में बीजेपी से बगावत करते हुए वहां पे अपना नामांकन किया, मगर अंतिम समय में जो ये फैसला हुआ उसके बाद ये हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी इन चीजों को भी समझ रही है और जो स्थितियां रही उन तमाम चीजों से जो है निपटने के लिए, या जो उस जो कह रहे थे कि समस्या जो उत्पन्न हुई थी 2025 के चुनाव को लेकर जो है ये इसे मैनेज करने के लिए, या जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो अगर बात कही जाए तो ये एक कोशिश हो सकती है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से बिहार में वोट बैंक के आधार पर जो है वो देखा जाता है, उपेंद्र कुशवाहा की भी एक बड़ी जो कही जा सकती है वोट बैंक
से जुड़ाव है और उन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी आगे नहीं चाहती कि कोई घटक दल के जो लोग हैं वो किसी चीज से नाराज हो। ये बात साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, पवन सिंह उस जगह से गए थे और पवन सिंह बीजेपी के एक जो है एक नेता भी थे। बिल्कुल गौतम, और काराकाट से हार मिलने के बाद चूंकि बिहार में जाति के आधार पर वोट बैंक को भी अहम माना जाता है और ऐसे में कुशवाहा वोट बैंक की जरूरत को समझते हुए एनडीए ने ये बड़ा फैसला लिया है, इस ओर भी इस फैसले को देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया गौतम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।